बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस ने की जीत दर्ज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव की, जो पूरे हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। पूरे हरियाणा की नज़र थी कि आखिर बड़ौदा में कौन जीत का परचम लहराएगा। वहाँ से बड़े बड़े उम्मीदवार को खड़ा किया गया मैदान में। कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को मैदान में उतारा, वहीं बीजेपी और जजपा ने योगेश्वर दत्त को, और उसी के साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी, जो एक पुराने नेता रह चुके हैं, उन्होंने अभी अपनी दावेदारी पेश की, और इनेलो ने जोगिंदर मलिक को मैदान में उतारा था। तो अब उसके जो सुबह से रुझान चल रहे थे, अब उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, और इंदुराज नरवाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने वहां से जीत दर्ज की है। 12,000 से अधिक वोटों के साथ उन्होंने वहां जीत दर्ज की। आपको बता दें कि बड़ौदा जो एक जो ऐसा क्षेत्र है जहां पर कृष्णमूर्ति हुड्डा, जो जिनका देहांत हो गया था अप्रैल में, उसके बाद से ये सीट खाली थी, और बड़ौदा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, या पहले इनेलो का गढ़ था, और उसके बाद 2004 के चुनाव के बाद वहाँ कांग्रेस अपनी जीत पेश करती रही, और हमेशा कृष्णमूर्ति हुड्डा वहाँ से जीते। उनके देहांत के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी डर था कि कहीं ये सीट बीजेपी के पक्ष में ना चली जाए, और पहले भी कई एग्जिट पोल ये शो कर रहे थे कि शायद ये सीट बड़ौदा की जो सीट है वो बीजेपी ले जा सकती है। पर आज जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और सुबह से भी रुझान जो आ रहे थे, उन्होंने ये बात कहीं ना कहीं साफ कर दी थी कि कांग्रेस ने इस पर भी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर दी है, और आखिर में इंदुराज नरवाल ने 12,000 से अधिक वोटों के साथ वहां पर जीत दर्ज की। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो रिजल्ट रहा, ये जो परिणाम रहा, वो कितना असर डालता है विधानसभा चुनाव में, या जो आने वाले जो भी चुनाव हैं, कि क्या ये कांग्रेस का फिर से उदय होगा, या जैसे पिछले समय लंबे समय से चलता आ रहा है कि वो एक कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती आई है, तो क्या ये वही चीज़ थी। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहता है, क्या बीजेपी अपनी और दावेदारी पेश कर पाती है, या कांग्रेस का जो दोबारा से उदय हुआ है वो आगे चल पाता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं रूपल, ACP न्यूज़, पानीपत।